नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 5000 साधु संतों की मौजूदगी में भव्य अनावरण किया और अद्वैत धाम का आधारशिला रखी। एकात्मकता का प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ फननेस का नाम दिया गया है। प्रतिमा में आदि शंकराचार्य जी बाल रूप में नजर आ रहे हैं। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम शिवराज ने इसकी संतों के साथ परिक्रमा भी की। वहीं राजनीति के जानकार इसे बीजेपी का चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड मानकर चल रहे हैं, तो वहीं हिंदुत्व कार्ड खेलने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। और इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, आगे इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश इस वक्त चुनाव की दहलीज पर है, ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है। रोज रोज नई नई घोषणाएं और वादे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पुरानी घोषणाओं के उद्घाटन और अनावरण भी जमकर देखने को मिल रही है। कुछ इसी तरह का एक सियासी मास्टर स्ट्रोक सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देखने को मिला। जी हां, मध्य प्रदेश में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों हुआ। यह पूरे दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, जहां वे अपने गुरु गोविंद भगवतपाद से मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। इस प्रतिमा के अनावरण के बाद कहीं न कहीं बीजेपी ने उज्जैन महाकाल में हुई घटना पर पर्दा डालने और डैमेज कंट्रोल के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण के जरिए एक सियासी दाव भी चल दिया है, जो कि आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। खैर, पूर्व सीएम भी सियासी दाव चलने में पीछे नहीं है, जहां बीजेपी हमेशा से हार्ड हिंदुत्व के सहारे आम जनता में पैठ बनाने का खेल चलती रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है। जन आक्रोश यात्राओं की शुरुआत ही कांग्रेस नेताओं ने अंचल के सिद्ध मंदिरों में पूजन करके की है। जाहिर है कांग्रेस सनातन के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। बहरहाल कांग्रेस के इस दांव से बीजेपी बेचैन है कि आखिर हमारे पिच पर कांग्रेस धुआंधार बल्लेबाजी कैसे कर पा रही है। खैर, कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में हर उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है जो विरोधियों ने पब्लिक के बीच कांग्रेस के लिए बनाया था। वहीं शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करके बीजेपी ने फिर से हिंदुत्व की राह की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में शंकराचार्य के जरिए बीजेपी को आखिर कितना सियासी फायदा होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। शंकरलाल तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, रोहित यादव जी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आर के शुक्ला जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलेंगे, रोहित यादव जी के पास। रोहित जी, एक अद्भुत अलौकिक नजारे की बात करें ओमकारेश्वर में, किस तरह से देखते हैं? इसमें भी राजनीतिक स्टंट तो कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है? तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? माफ कीजिएगा, रोहित यादव जी। रोहित यादव जी, आवाज पहुंच रही है? लगता है रोहित जी के पास आवाज नहीं जा रही है। शंकरलाल तिवारी जी, आपसे सवाल है कि सनातन बहुत ही, पहले तो बोलूंगी, बहुत ही अद्भुत अलौकिक नजारा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकात्मकता का संदेश देने की कोशिश की गई, कहीं सनातन से सत्ता हासिल करने की कोशिश तो नहीं है ये? शंकरलाल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, जी आवाज आ रही है, बोलिए। सनातन अपने आप में कितनी बड़ी बात है, शंकरलाल तिवारी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो हमारे साथ आर के शुक्ला जी भी मौजूद है। आर के शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे इस 108 फीट ऊंची प्रतिमा
और एकात्मकता का संदेश, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे उनका सपना बिथाइए। अनादि काल से सनातन धर्म की देवी देवताओं और महापुरुषों, शंकराचार्यों की मूर्तियों का अनावरण की प्रथा चली आ रही है जी। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब ये एक सियासी दाव क्यों माना जा रहा है या होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने अपनी फ्रंट पिच, जो उनकी पिच है हिंदुत्व की विचारधारा की, जो उनकी पिच है वो पूरी तरीके से खुलकर आगे खेलने लगे जी। और ये बात भी सही है कि ये किसी भी हमारे देशवासियों से ये बात छुपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पहले से इस टाइप की चीजों का वो पहले से प्रचार प्रसार करती आ रही है। अब इसके लिए हम सियासत का के रूप से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि वर्तमान में चुनावी साल है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चूंकि हमारे देश का एक परसेप्शन या हिंदुत्व की विचारधारा अभी प्रबल रूप से बह रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा था, जो अब मुझे लगता है कि अपने प्रचंड रूप में रूप धारण कर चुकी है। और इस टाइप के जो इवेंट होते हैं या जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इनसे निश्चित रूप से मतदाताओं का एक परसेप्शन उस पर्टिकुलर पार्टी के प्रति झुकाव होता है जी। और यही कांग्रेस के लिए सबसे चिंता का विषय है। अब चूंकि कांग्रेस भी इस चीज को इन्हें समझ रही है कि हम ज्यादा समय तक इस मूल विचारधारा से दूर नहीं रह सकते, तो धीरे धीरे करके वो भी इस पिच का इस्तेमाल कर रही है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में उन्होंने रामकथा का आयोजन करवाया जी। इसके पूर्व पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की उन्होंने कथा का आयोजन करवाया। अभी जिसे आपने बताया कि आक्रोश जो रैलियों का की शुरुआत हो रही है, वो जहां भी जो जिस क्षेत्र में है वहां के जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां पर जाके बोले शुरुआत कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी पिच का इस्तेमाल कर रही है। हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो भी कांग्रेस अब चुक ले रही है, बिल्कुल ले रही है। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि अगर सत्ता में आना है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और भी पार्टी हो, तो एक सबसे बड़ा जो हमारे प्रदेश का वोटर है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है रोहित तिवारी जी, ओमकारेश्वर में एक अद्भुत, एक अलौकिक नजारा देखने को मिला। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का और शांति और एकता का संदेश के साथ क्या कुछ कहेंगे? रोहित यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए जी, किस तरह से देखते हैं ओमकारेश्वर की जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, 108 फीट ऊंची प्रतिमा और एकात्मकता का संदेश, इसमें भी तो कांग्रेस को राजनीति नजर नहीं आ रही है? देखिए मैं आपको एक बात कहूं, सच्चाई तो यह है कि हम सबके लिए गर्व की बात है जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहे, 8 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष तक की आयु पर यहाँ पर उनको उनके गुरु मिले, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से ही अपनी एकात्मा यात्रा की शुरुआत करी, एकात्म का सिद्धांत दिया, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। और मैं शिवराज सरकार को इस बात के लिए साधुवाद भी देता हूँ, उन्होंने ये अच्छा काम किया। मगर सच्चाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बना देने से उनका काम पूरा हो गया है? क्या उनके द्वारा दी गई शिक्षा, जो की एकात्म का संदेश उन्होंने दिया था कि हर जीव में वो ईश्वर को देखते हैं, उसमें उन्होंने कुछ पालन किया है? मैं आपको सही बताऊं, भाजपा जो है ये गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों में बहुत अंतर करती है और उनका लगातार उपचार कर रही है। तो ये लोग सिर्फ दिखावटी, बनावटी, मिलावटी और सजावटी राजनीति है, भाजपा वही करती आ रही है। ये चार भाजपा के तरीके हैं जिससे ये इन किन प्रकार चुनाव जीतती है, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाती है। अगर आप देखने जाए तो इनके जो प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की रणनीति है, तो सारी रणनीतियों में लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आदि शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना करी थी, अगर हम भारत के चारों कोनों को देखें, इन्होंने इन चारों कोनों को तोड़कर अलग करने के लिए सारे भरसक प्रयास कर लिए हैं। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन देख लें, चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लें, चाहे उत्तर का हिस्सा देख लें, चाहे दक्षिण का हिस्सा देख लें,
इन चारों कोनों पे भाजपा ने किसी ना किसी तरह से भारतीयों के बीच में विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, ये लोग सांकेतिक राजनीति करते हैं, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या आदि शंकराचार्य जी का हो। तो इसमें भी आप इसे भी आप राजनीति मान रहे हैं? अगर सिद्धांतों का लेना देना होता रोहित यादव जी, ये गरीबों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हो, इसे भी आप राजनीति मान रहे हैं? जी हाँ, ये 100% राजनीति है, शुद्ध राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है ये। शंकर लाल तिवारी जी, रोहित यादव जी बोल रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, ये विधानसभा चुनाव है इसलिए। शंकर लाल तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही क्या? जी राजनीति नजर आ रही है जी, मुझे आ रही है आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास, आदरणीय मेरे भैया रोहित जी के पास, अब मंदोदरी विलाप करने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। कहीं से भी एक विघ्न संतोषी का रोल, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए वो कांग्रेस निभा नहीं पाई। सरकार जाने के बाद कमलनाथ जी के मजबूत विपक्ष थे, अच्छी संख्या में इनके पास विधायक थे, पर इसके बावजूद ये मजबूत विपक्ष की भूमिका न सड़क में, न सदन में और न पार्टी को संगठनात्मक तरीके से खड़ी कर पाए। अब हर बात में इनके पास सिर्फ विघ्न संतोष बचा है, क्योंकि विरोध तो ये कर नहीं सकते, मुद्दे इनके हाथ में कोई है नहीं। जो अट्टे का भाषण, चुनावी भाषण थी, डिबेट में भी बैठ कर देते हैं ना, महंगाई है, ये है, वो है। अरे बंधु, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूरा ये लोकतंत्र का उत्सव है और इस लोकतंत्र के उत्सव में आप जिस ढंग की झूठी बातें परोस रहे हैं, जबरदस्ती विघ्न संतोष कर रहे हैं। लेकिन शंकर लाल तिवारी जी, शंकर लाल तिवारी जी, रोहित जी तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जो है बनावटी है, दिखावटी है, मिलावटी है। अगर रोहित जी का कुछ कहने से कोई सुनता होता तो मध्य प्रदेश हो चाहे देश को कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। रोहित जी तो हमारे साथी है, कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, पर तो दिल्ली वालों की कोई नहीं सुन रहा है, कांग्रेस के अंदर लोग नहीं सुन पा रहे ठीक से। और इस नाते में ये कह रहा था कि आप शंकराचार्य जी के आज का जो एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक जगत में आज के क्षण ऐतिहासिक क्षण है, जिस समय मध्य प्रदेश की नर्मदा, हर हर नर्मदे की धरती में उज्जैन के समीप। लेकिन शंकर लाल तिवारी जी, ऐतिहासिक क्षण में भी कांग्रेस को सियासी नजर आ रहा है। आप बोलने देंगे जी? जी बोलिए बोलिए जी, बिल्कुल सच में मैं अभिभूत हूँ, मेरी बहन, मैं प्रणाम करता हूँ आपको बधाई कि मेरे मध्य प्रदेश के अंदर और आदिगुरु शंकराचार्य जी का और एक इतना इतनी बड़ी मूर्ति उनके विचारों की दृष्टि से अभी वहां पर और भी तमाम काम होने वाले हैं, जिसमें विद्यार्थी तमाम प्रकार के उनके मार्गदर्शन के शोध करेंगे। और मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कांग्रेस के मित्र से कह रहा हूँ, आपको विरोध करना चाहिए, इसका भी करिए, सबका करिए, जो मन पड़े सो करिए, पर मैं कह रहा हूँ कि कोई आज ही हुई योजना तैयार नहीं है। ये ठीक है, इसका लोकार्पण अभी हो, अभी इसके कई चरण बाकी है, पर आज की भूमिका तो नहीं है। वर्षों पहले जी आदिगुरु शंकराचार्य जी मूर्ति की स्थापना, वहाँ एक विद्यालय जैसे संस्थान की स्थापना, जो उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पर तमाम प्रकार के ज्ञान और शोध करे, ठीक है, और ये बात आज की नहीं है। पर आप चुनाव में जोड़ करके और कहीं तो आप मजीरा बजाने लगते हो जी, ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी करने लगते हो, अब कहीं आप इस तरह की बातों का भी विरोध कर विघ्न संतोष कर रहे हो, प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, अगर गलत किया है कुछ हमने तो हम बचेंगे नहीं जी, और यदि गलत बयान ही कर रहे हो आप बचोगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप अब रहोगे। ठीक है जी। आर के शुक्ला जी, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस कार्यक्रम का कितना सियासी लाभ मिलेगा, बीजेपी की ही बात कर ले तो? अगर हमारे प्रदेश को आधार माना जाए
तो इसका निश्चित रूप से बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ मूर्तियों का अनावरण कराने से या एक धार्मिक कार्ड खेलने से हमारे जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं जी उनसे आप दूर नहीं भाग सकते, ना ही जनता उन चीजों को भूलने वाली है। क्योंकि प्रदेश में या देश में आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी दूर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारी इस वर्तमान सरकार ने कुछ ज्यादा कुछ किया है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियों का स्थापना प्रदेश में नहीं होती है जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और सिर्फ इस प्रकार के जो कार्यक्रम निश्चित रूप से सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए होना चाहिए जी। और हमें गर्व की बात है। लेकिन इन सब के साथ साथ जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ भी प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा, अन्यथा आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान होने की संभावनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि रोहित यादव जी के पास चलना है, उनकी बारी है, जल्दी से। विद्वान वक्ता के बयान आए हैं, उनकी सीख उनकी सुझाव तो हृदय से लेता हूँ और उनकी जानकारी में बड़ी विनम्रता से कोई अहंकार से नहीं, बहुत कुछ करना बाकी। ठीक है, रोजगार के लिए उद्योग धंधों की स्थापना, नौजवानों को रोजगार, बोल तो लेनी चाहिए, पर जितनी भर्तियां शासकीय सेवाओं में वर्तमान में हो रही है। ठीक है तिवारी जी, आज ही के समाचार पत्रों में पढ़ा कि कहीं नहीं है। ठीक है, रोहित यादव जी के पास चलेंगे। रोहित यादव जी, शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं कि मंदोदरी विलाप करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है कांग्रेस के पास, विपक्ष की भूमिका ही नहीं आप लोग निभा पाए सही ढंग से। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बोलूं कि मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता है उनका कुछ भी मुझे आवाज नहीं आ पाई, जो आप सवाल मुझसे पूछेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा जी। अगर उन्होंने कहा मंदोदरी विलाप हम कर रहे हैं या हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए हैं, तो शिवराज जी से सवाल पूछे जाना चाहिए कि हमने जो शुरू में 5 गारंटियां दी थी माननीय कमलनाथ जी ने, उसकी नकल इनको क्यों करना पड़ी? 18 साल बाद इनको अपनी बहनों की याद क्यों आई? इनको अभी अपनी और कमाल योजना पे क्यों काम करना पड़ रहा है? 8,000 रुपए स्टाइपेंड क्यों देना पड़ रहा है? सच्चाई ये है कि विगत 18 वर्षों से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमीशन और जमाखोरी का काम किया, भ्रष्टाचार किया, अनाचार किया है। ये लोगों को अब जब उसका परिणाम सामने दिखने लगा है तो वास्तव में ये लोग उस चीज को रोदाली की तरह हर जगह रो रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का हमारी सरकार बना दो, उसके बदले चाहे जो देश को 3,50,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, 3,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 57,000 रुपए का कर्ज कर दिया है, ये उसको उस गर्त में पहुंचा देंगे हमारी अर्थव्यवस्था को, प्रदेश की, जहाँ से उबार के ला पाना किसी की बस की बात नहीं है। और ये सारे लोग आखिरी में अपने झोला उठा के चलते बनेंगे, तो इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश की स्थिति क्या है या प्रदेश के नौजवानों की स्थिति क्या है। कल यहाँ पे इस प्रदर्शन में नर्सिंग जो हमारे कॉलेज उनके बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया कि उनको गलत तरीके से कॉलेजों में एडमिशन गलत परमिशन दिया गया है कॉलेजों को, और जब वो उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, जब वो उसके लिए प्रदर्शन करने गए हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन से और लाठीचार्ज कराया गया। ये बताता है कि ये लोग दमनकारी नीति पे काम करना चाहते हैं, एक आडंबर रच के रखते हैं चारों तरफ, ये बताते हैं कि हम बहुत बड़े जी। शंकरलाल तिवारी जी, मेरे मित्र की थोड़ा स्थिति है ना, इनके पास कोई रीति बची ना नीति बची है, ये अंदर से खोखले हो चुके हैं 18 सालों में, इनके पास एक भी अपनी स्वयं की कोई योजना नहीं बचेगी, इसलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकल करी है कांग्रेस की, मगर नकल के लिए अकल की आवश्यकता लगाई नहीं जी। रोहित यादव जी कह रहे हैं कि ना बीजेपी के पास रीति बची है ना नीति बची है, खोखले हो चुके हैं, रोहित यादव जी कह रहे हैं। ठीक है, हमारी नकल कर रही है बीजेपी कांग्रेस की। जी जी, हमारी नीतियों का कमाल कांग्रेस को नहीं दिख रहा, इसलिए तो कांग्रेस, मैंने पूर्व में भी कहा था कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं करी, टीचर में बैठ के डिबेट में बैठ के भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, अरे सब हुआ जो तुमने कहा, पर आप विपक्ष में थे, आप क्या ताली बजा रहे थे? आप अच्छेरिया खेल रहे थे? विपक्ष के अंदर से सरकार की गिरेवान में हाथ क्यों नहीं गए आपके? आपके कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश विधानसभा में बिना मतलब का जो अविश्वास प्रस्ताव गोविंद सिंह जी रखते हैं उसका
का चीफ व्हिप भी नहीं मानते कि विधानसभा पहुंच जाए, और इस स्थिति में सिर्फ मंच में खड़े होकर के माइक पकड़ करके भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का प्रमाण लाके तो चुनौती देता हूं, और इतने तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म है, न्यायालय, अदालतें, पर कहीं कुछ है नहीं। अच्छा शंकरलाल तिवारी जी, दूध पीने वाले मजनू जो है ना, वो विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सकते। कांग्रेस को दूध पीने वाले मजनू की फौज बन गई, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है नहीं, और सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो है ना, उनने आपको अब गांव गमन गली में बैठने की जगह भी नहीं बची है। ठीक है, आप करते रहिए विरोध, पर एक एक व्यक्ति लाभान्वित है मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। ठीक है तिवारी जी, आरके शुक्ला जी के पास चलेंगे। आरके शुक्ला जी, क्या आपको लगता है दोनों ही पार्टी जो है वो सनातन की ओर चल पड़ी है, दोनों ही जो पार्टी है वो हिंदुत्व कार्ड खेल रही है और इस हिंदुत्व कार्ड से सत्ता हासिल करना चाह रही है? निश्चित रूप से जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी है, जो उनका एजेंडा रहा है, पर वो अपने, और ये बात किसी से भी लुकी छुपी नहीं है, तो उनका तो क्लियर है कि भाई वो हिंदुत्व की विचारधारा पर ही आधारित हैं, उस पे वो चलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो एक जो हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा वोटर है ना, उसकी आप जन भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी उस विचारधारा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। जी रोहित यादव जी, क्या कांग्रेस भी हिंदुत्व की विचारधारा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी करीब है? अगर हम आयोजन देखें कमलनाथ जी के ही, तो धार्मिक आयोजन देखिए, कमलनाथ जी के या किसी के भी धार्मिक आयोजन में कहीं भी कोई धार्मिक उन्माद आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं मिलेगा, किसी और भी धर्म या संप्रदाय के प्रति आपको भड़काऊ भाषण या किसी और के प्रति ऐसा कि नकारात्मक भाव नहीं मिलता। हम सभी धर्मों को बराबर सम्मान करते हैं। धर्म जो है ये आस्था बहुत निजी विषय है, ये राजनीति में हमने इसको कभी ना मिलाया है ना हम कभी मिलाएंगे। हाँ, जनता का अपना परसेप्शन हो सकता है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, मगर कमलनाथ जी पहले से हनुमान जी के भक्त हैं और रहेंगे, हम सभी हैं उनका अनन्य भक्त है, मगर हमने उसको कभी शो ऑफ का विषय नहीं बनाया, हमने उसको कभी वोट कैश कराने के लिए नहीं रखा है। ये बात भाजपा ने हमेशा से करी, चाहे वो इनकी रथ यात्रा हो, चाहे वो इनका राम जन्मभूमि को चढ़ाया गया आंदोलन हो, तो क्या रोहित जी नया वाराणसी में सड़क जी रोहित जी बसेरा हो, ये सारा कुछ रोहित जी चुनावी एजेंडा। तो क्या बीजेपी जो है वो धर्म को वोट बैंक बना के रखी है? जी हाँ, इनका पूरी पार्टी का जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने का है। आप एक बात बताइए, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा भाव होना चाहिए, तो एक देश में ही बैठा कितने इन्होंने लोगों को अलग अलग बांट रखा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका जी को भी नर्मदा आरती करते देखा गया है, तो भी तो फिर धर्म, वो भी तो फिर वोट बैंक है ना धर्म की, अगर बीजेपी करे तो फिर कांग्रेस भी कर रही है। आवाज सुनी था राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी आकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, फिर तो धर्म की राजनीति वोट बैंक जुटाने की, नर्मदा आरती करते हुए नजर आए थे। आपको देखिए नर्मदा आरती आस्था का विषय है, अगर वो नर्मदा आरती में जाते हैं तो धार्मिक आयोजन में तो आस्था का विषय है ना रोहित जी, बीजेपी के लिए वो वोट बैंक है, कांग्रेस के लिए वोट बैंक क्यों नहीं है? दोनों ही धार्मिक आयोजन है तो दोनों ही आस्था का विषय है। देखिए हम अगर कभी उसके आधार पे वोट तो नहीं मांगते, ये बोलते कि हिंदुत्व खतरे में, इसलिए आप हमको वोट दीजिए, हमने तो कभी नहीं कहा ना 70-75 सालों के इतिहास। ठीक है, ये जवाब भी ले लेते हैं शंकरलाल तिवारी जी, क्यों लगता है बीजेपी को कि हिंदुत्व खतरे में है? ये जिस तरह से बता रहे हैं रोहित यादव जी कि वोट बैंक की राजनीति करती है धर्म के नाम पर बीजेपी, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुत्व खतरे में। अभी हिंदुत्व और सनातन वो चीज है जिसको तमाम हूण मुगल अंग्रेज पता नहीं कितने लोग मिटाने पर आए, पर हिंदू और हिंदुस्तान की हस्ती नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, हम दरिया है खतरा नहीं, हम कोई तालाब से कुंड नहीं है, बावली कुआं नहीं है कि हमारे यहाँ पानी खराब हो जाएगा। सनातन एक प्रवाह,
हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। धर्म तमाम प्रकार के हैं, उन धर्मों में सबका आदर करना मैंने हिंदुस्तान की धर्म। ठीक है, लास्ट कमेंट एक आर के शुक्ला जी से, लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा आर के शुक्ला जी, समय हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल सत्य है कि हिंदुत्व की विचारधारा और सियासत ये दोनों का पूरी तरीके से मिक्सर हो चुका है जी। और इससे कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसे सत्ता प्राप्ति की भाव की इच्छा है इससे दूर नहीं रह सकती है जी। उसको किसी न किसी रूप में इसको इसके नजदीक या इसको पालन करना ही पड़ेगा जी। अन्यथा वो सत्ता से बहुत दूर होती जाएगी। ठीक है, आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रोहित त्याजो जी आपका बहुत धन्यवाद, शंकरलाल तिवारी जी आपका बहुत धन्यवाद, और आर के शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।